अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ अमानत नजीब। आप देख रहे हैं फोन टच की एक और वीडियो। मुर्गा भी का सीजन जी 2023-24 शुरू हो गया है और हम घर से निकल पड़े हैं मुर्गा भी के शिकार के लिए। थोड़े लेट हो गए हैं, दिन निकलने वाला है, तो दुआ करते हैं कि स्कोर अच्छा हो। हमारे साथ हैं जी शुएब भाई और पीछे हैं वरदान, इसके अलावा आसिम भाई हैं हमारे साथ और आगे हकीम साहब भी हैं, वो भी हमारे शिकार के साथी होंगे। तो बाकी की वीडियो इंशाल्लाह वहाँ पे शिकारगाह में पहुँच के बनाते हैं। दुआ करते हैं कि आज का दिन अच्छा रहे। हल्की हल्की रोशनी निकलना शुरू हो गई थी लेकिन हम अभी तक रास्ते में थे, हम वाकई बहुत लेट हो चुके थे। खैर सफ़र जारी था, आखिरकार हम कश्ती वाले के घर के करीब पहुंच गए। नमाज का टाइम हो गया था तो हमने सोचा कि जल्दी से नमाज पढ़ लें। नमाज अदा करने के बाद हम कश्ती की तरफ रवाना हो चुके थे जहाँ पे कश्ती ने आके हमें लेके जाना था शिकारगाह की तरफ। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा था, रोशनी तेज़ी से बढ़ रही थी और हम थे कश्ती वाले के इंतज़ार में जो कि अभी तक नहीं पहुंचा था। मुर्गाबी के शिकार में टाइमिंग बहुत अहम है जी। सुबह सुबह इस वक्त जब हम ये किनारे पे खड़े हैं उस वक्त हमें शिकारगाह के अंदर होना चाहिए, अपनी ब्लाइंड के अंदर, लेकिन हम टाइम ज़ाय कर चुके थे और मज़ीद टाइम ज़ाय हो रहा था। बिल आखिर जी कश्ती वाले की आंख खुल गई थी और वो हमारी तरफ आना शुरू हो गया था और हम बैठे हसरत भरी निगाहों से उसको आते हुए देख रहे थे। आखिरकार वो पहुंच गया और पहुंचते ही एक मनहूस खबर सुनाई कि मेरे पास तो तेल ही ख़त्म है, डीज़ल नहीं है। होय होय, तो हमने फ़ोन किया एक भाई को, जवाद भाई को, कि जल्दी से आओ डीज़ल लेकर। तो वहाँ से उसने मोटरसाइकिल पकड़ी और डीजल लेकर हमारी तरफ को चल पड़ा। हमने जल्दी से सामान रखना शुरू कर दिया था कश्ती में ताकि जब तक डीजल आता है हम अपना सामान रख चुके हों।
अभी तक डीजल नहीं पहुंचा था। डीजल पहुंचने के बाद हमने एक और भी काम करना था, आगे जाके झाड़ियाँ काटनी थी, जिसे मकामी जबान में लई कहते हैं। जवाद भाई जी डीजल लेके पहुंच गए थे और हम कश्ती पे सवार होके कश्ती चल पड़ी थी। देर तो बहुत हो गई थी, लेकिन सुबह का ये नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा था और हम इस नज़ारे में खो से गए थे। सूरज की किरणें दरियाए सिंध के पानी से टकरा के जब मुनक्कस हो रही थी तो बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। आखिरकार जी हम अपनी मतलूबा जगह पे पहुंच चुके थे, दरिया के बीच में। रास्ते से हमने लाइयां भी काट ली थी, झाड़ियां। अब हम ब्लाइंड बना रहे थे और अपने डिकॉय फैला रहे थे। टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाय हो चुका था। इस वक्त मुर्गाबी का शिकार करना एक बेतुकी सी बात है, लेकिन हम अपना ये नशा पूरा कर रहे थे। बस ब्लाइंड बनाने के लिए पहली झाड़ी लगा दी गई थी। हम यहाँ पे अपनी ब्लाइंड बना रहे थे और इससे आगे हम अपने डिकॉयज फैलाएंगे। Thank you.
ये जी पहले आ गई है टील, अभी हम खेल रहे हैं, धूप बहुत हो गई है, आगे देखते हैं क्या लगता है। आगे जी आओ बाकी भी आन गया फिर फोन करूं यार उन्हों को यार बंदे टाइम से रोबी छेड़ देने जी दो और आ गई हैं, एक शॉट है। ये जी दो दो और आ गई हैं, एक शॉट एक शॉट है। अरे भाई thank you.
टोटल जी हमारा 7 स्कोर हो गया था, 2 बैगें थीं, 5 हाथ में थीं और मूवमेंट बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी थी आज के दिन में, तो हम अपनी ब्लाइंड के अंदर ही लेट गए, पानी के अंदर ही। कारतूसों की क्वालिटी बहुत ही बुरी आ रही है, ये जो नए शाइन के कारतूस आए हैं इंतहाई बेकार हैं। आप क्लिप में देखें, हालांकि बेहतरीन शॉटें लग रही थी लेकिन मुर्गा भी गिर नहीं रही थी, कोई प्रेशर ही नहीं था। सामान समेटा जा रहा था जी, वापसी की तैयारी शुरू हो गई थी, सिर्फ 5 मुर्गा में लेके, लेकिन इंजॉयमेंट होती है बस, शिकार मिले ना मिले। अब जब दरिया पे जाते हैं तो बहुत रिलैक्स फील करते हैं। तले लग गए हैं, मेहरबानी करो, तला बाग शुरू करो। तोला क्या था बड़ी ये थी जी आज की वीडियो। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त,
अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।